एक्सपीरियंस कैसा है आपको मर्डर मतलब? सीक्वेंस चल ही रहा है कुछ टाइम से हमारे शो में. हमारे शो में एक बहुत ही खूंखार, डरावनी, बहुत ही क्या कहते हैं, बेरहम विलेन है, जो बहुत हॉट है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है. चकोरी नाम है उसका, यानी कि हमारी नायरा. एंड मेरी बीवी थी फूली थी, इसलिए क्योंकि इन्होंने उसका काम ख़त्म कर दिया. ये मेरी दूसरी बीवी है, तो इनको सिंगल यूनिक चाहिए था अपना पति. तो अब ये हो गया कि मुझे हेलो, सब फर्स्ट रिव्यू। हाँ, फर्स्ट बीवी ये है, तो सेकंड आ गई थी पॉजिटिव वाली, तो इसने उसका पत्ता साफ कर दिया. अब मुझे क्योंकि सब पता चल चुका है, तो मैं पीछे पड़ गया हूँ इनकी जान लेने के, और बदले में ये मेरी जान लेना चाहती हैं. तो पूरा फाइट सीक्वेंस हमारे शो में चालू है. तो आप मुझे कैसे मारने वाली हैं, कुछ पता है आपको? अभी मैं प्लान्स निकाल रही हूँ, सब आइडियाज निकाल रही हूँ। तुम मर ही नहीं रहे हो यार। मतलब चार बार मार चुकी है मुझे, मैं चारों बार जिंदा होकर बाहर आ गया. दीवार में चुनवा दिया इसने मुझे, उसके बावजूद मैं दीवार तोड़ के बाहर आ गया. क्या खा के पैदा हुआ? मेरी कुंडली में मरना आज नहीं लिखा, शायद आगे लिखा होगा, देखते हैं. आज आज तो मैच नहीं हो रहा है. आज मैंने हॉस्पिटल में भी मारने की कोशिश की, कुछ ना कुछ करके ये बच ही जाते हैं. मुझे तो लगता है ये मरना ही नहीं चाहते. कौन मरना चाहता है यार, कोई भी नहीं मरना चाहता. तुम ये बोलो, तुम्हारा प्लान फीका पड़ जाता है उम्मीद के सामने. रैम्बो हूँ भाई, अल्टीमेट एक्शन हीरो. मैं छोड़ के रखूंगी तुम्हें. अब इस बार आपको अदाओं से मारना पड़ेगा निशान. अदाओं से तो बेचारी पहले दिन से ट्राई कर रही है चकोरी उम्मीद को मारने की. लेकिन उम्मीद बिल्कुल सख्त लौंडा, बिल्कुल नहीं पिघलता. तो इसने अल्टीमेटली हार मान के बोला, तू नहीं पिघलेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगी. तो वो मारने के पीछे पड़ गई. और ऑडियंस से कैसा रिस्पांस मिल रहा है शो को लेकर? जैसे हमने ऑन सेट तो देखा कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ऑडियंस की तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं? आई थिंक हमारा नंबर वन शो दंगल पे इसलिए चल रहा है क्योंकि ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है हमारे शो को. एंड जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हैं, दे आर ऑल रियली लविंग इट. इंस्टाग्राम पे हमारे फैंस बहुत हमको अच्छे कमेंट्स भेजते रहते हैं हमारे शो को लेके. दे हेट हर बिकॉज शी इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एज हर एज चकोरी, एंड दे लव उमेद बिकॉज ही इज सच अ गुड गाय. तो या ओवरऑल आई थिंक रिस्पॉन्स हमने जैसा चाहा था वैसा ही मिल रहा है. जैसे निशान ने कहा लोग हेट कर रहे हैं, उसका मतलब जो है कैरेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है. लोग लिटरली पसंद कर रहे हैं मुझे नफरत करने के लिए. दे लव हेटिंग मी एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हियर दे लव हेटिंग मी बिकॉज़ यू आर डूइंग सच अ ब्रिलियंट जॉब. शी इज, मैं कहूंगा शो की जान जो है ना वो चकोरी है, क्योंकि जब ये कुछ करती है तो ही शो में ड्रामा बिल्डअप होता है. तो पूरा ड्रामा जो ये इतने अच्छे से करती है, आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू चकोरी फॉर दैट. बहुत दिमाग खटाना पड़ता है लोगों को टॉर्चर करने के लिए. कोई कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस जो देख रही है आप? शुक्रिया, आप लोगों को हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है, हम लोग बहुत पसंद आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप एंटरटेन हो रहे हो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू.
जाती है तो हम भाग और जाते हम घर से भाग जाते हैं। मैं इसको लेके भाग जाता हूँ। अब तक आप लोग देख रहे थे कि रसाल मेरे को बार बार बोलती है कि चकोरी मासा बुरी है, तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बाद में मुझे असलियत पता चल जाती है तो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ। और जो हम लोग है, अभी बहुत लंबी कहानी है तो मैं अभी का सिक्वेंस बताता हूँ जो आज हम लोग शूट कर रहे थे। तो आज क्या था कि जो बापू सा थे तो उनको है ना चकोरी मासा मूंग भैया ने मार मार के घायल कर दिया। तो आप उनको वो लोग गांव वाले तो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हाँ। तो हम लोग पीछे से भागते हुए आ रहे थे तो मेरे को देखा कि जो बापू से है। हाँ। तो वो जा रहे हैं। हम लोग इतने दिनों से भाग रहे हैं, दो दिन से लगातार भाग रहे हैं, ऐसा सीक्वेंस दिखाया है। हाँ। तो राजस्थान और तो अभी हम लोग फिर ना इसके बाद है ना ये जो सीन हो रहा था तो यहाँ पे मैं बापू से के पीछे भागता हूँ। हाँ। तो मैं गिर जाता हूँ, मेरे सिर पे चोट लग जाती है। तो सिर पे चोट लगती है तो मेरे को खून आने लगता है। तो रस्सू अपने हाथ की ये जो पट्टी है कंघी, ये हाथ पे जो मैंने इसको बांधी थी उससे इसके हाथ पे कील लगी थी, तो ये मेरे सिर पे बांध देती है। तो ये जब सिर पे बांधती तो मेरी ब्लडिंग रुकती है। फिर हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल की ओर। और उससे पहले तो रसाल को भी वो लग चुका था कांटा पैर में, तो मैं उसका सब देखभाल करता हूँ। हम लोग भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। और दंगल टीवी का ये नंबर वन शो है आप लोगों का, तो ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे और कितनी खुशी है कि इतना लोग पसंद कर रहे हैं शो को? हमें तो बहुत खुशी है, बहुत 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 खुशी है। और सब लोग इतने नंबर्स की ज्यादा खुशी है, मतलब जितने नंबर इस दुनिया में होंगे ही नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, वेलकम।